नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के मोरवा सामुदायिक भवन में आए हैं। यहाँ गजराज माइनिंग के वर्कर, गजराज माइनिंग जो दुद्धी चुआ और अमलोरी में ओबी हटाने का काम कर रही है, उस कंपनी के श्रमिक जो है आज सामुदायिक भवन में अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किए हैं। आइए हम श्रमिकों से मिलवाते हैं कि क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आज ये यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं। गजराज माइनिंग में कार्यरत कर्मचारी एवं वर्कर 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और जो बढ़ा हुआ पेमेंट का एरियर है वो भी नहीं दिया गया है। 2-3 बार नोटिस बोर्ड में लगाया गया कि 9-10 को डाल दिया जाएगा, उससे पहले भी लगाया गया कि डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक अकाउंट में या पैसा नहीं मिल पाया है। इसके चलते हम लोग स्ट्राइक का प्रावधान किए थे, 30 तारीख और 21 तारीख को स्ट्राइक था और उसमें प्रशासन द्वारा और माननीय कमलेश्वर पटेल के द्वारा और एनसीएल के द्वारा, दुधी चुमा परियोजना एनसीएल के द्वारा ये कम्प्रोमाइज़ किया गया कि यदि 13 तक पैसा नहीं डालती है तो एनसीएल महाप्रबंधक पैसा डालेगा वर्करों के खाते में। और यहाँ 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिला है, तो वर्करों का बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है, जो भाड़े में रह रहे हैं सिंगरौली में बाहर से आके, एवं जितने भी कर्मचारी हैं तो वो उनका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल से नाम काटा जा रहा है। अभी कल के डेट में एक बच्ची बीमार हुई थी, गजराज के वर्कर का कोई वर्कर बता रहा था कि बच्ची बीमार हुई थी, तो उसको फिर पैसा नहीं है, इसके चलते उसका दवा नहीं हो पाया और बहुत समय वर्कर परेशानी में, इसलिए 13 को वेतन नहीं डालता है तो आगे के लिए आंदोलन किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका 2 महीने का रनिंग जो है पेमेंट नहीं दिया गया है कंपनी द्वारा। एरियर के संबंध में इनके द्वारा बताया जा रहा है, जो है हम आपको बता दें कि सितम्बर माह 2018 से एचपीसी वेजेज का जो पेमेंट लागू हुआ था लगभग साल भर होने चला है, लेकिन उसका डिफरेंस मनी जो होता है इन श्रमिकों को गजराज कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है। देखिए, इनके द्वारा कई बातें ऐसी बताई गई है कि बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, दवा कराने का पैसा नहीं है, और हो भी कैसे सकता है अगर 2-2 महीने से कंपनी पेमेंट इनको नहीं दिया।